आज हमारा जो मेन टॉपिक रहेगा वो रहेगा सॉल्यूशन एंड कंसंट्रेशन स्टर्म्स। तो हेडिंग डाल लीजिए आज के लिए, सॉल्यूशन एंड कंसंट्रेशन स्टर्म्स। कंसंट्रेशन स्टर्म्स पहले हम समझते हैं कि सॉल्यूशन क्या है। समझना, इतना तो मालूम है, अभी तक हमने ये पढ़ा था, एक प्योर मिक्सचर, प्योर सब्सटेंस होता है और एक मिक्सचर होता है। यह सुनो, तो जब भी हम किसी सब्सटेंस की बात करते हैं तो हम उसको दो तरह से क्लासिफाई कर देते हैं, एक प्योर और एक मिक्सचर। मिक्सचर को हम फर्दर क्लासिफाइड करते हैं होमोजीनियस, और दूसरा हमारे लिए होता है हेट्रोजीनियस। तो अभी तक हम जो बात करते आ रहे थे इससे पहले, प्योर सब्सटेंस, प्योर सब्सटेंस का मतलब प्योर H2 या प्योर O2 या प्योर N2 वगैरह वगैरह। एयर क्या है? एयर प्योर है या मिक्सचर है? मिक्सचर है। तो हम उसको अब इस जगह पढ़ने जाएंगे, ठीक है। शरबत वो क्या रहेगा? मिक्सचर, ठीक है। बिस्लरी यानी वाटर, नॉर्मल वाटर, प्योर H2, समझ में आ रहा है। NaCl सॉल्ट प्योर, लेकिन जो कॉमन सॉल्ट होता है जो हम घर में यूज कर रहे हैं वो मिक्सचर हो जाता है, उसमें NaCl के अलावा CaCl2 और मैग्नीशियम क्लोराइड भी होते हैं। तो ये बात क्लियर है आपके पास, कौन सा मिक्सचर है कौन सा प्योर है, इज दैट क्लियर? तो चलिए, तो प्योर को तो अब हमें पढ़ना नहीं है। अब होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस में भी दो तरह का होता है, एक पानी में नमक डाल दिया होमोजीनियस, पानी में मिट्टी डाल दी सैंड पार्टिकल डाल दिए हेट्रोजीनियस। तो हम बात कर रहे हैं होमोजीनियस। होमोजीनियस का मतलब सेम कंपोजिशंस थ्रू आउट द सॉल्यूशंस। तो देखिए, पानी में नमक डाल दिया, आपने थोड़ा सा पानी टेस्ट किया, आपको खारा लगेगा, तो आधा पानी पीने के बाद क्या उसका खारापन कम हो जाएगा या ज्यादा होगा? सेम रहेगा। तो यानी कि कुल मिला के आसान भाषा में ये बोल सकते हैं कि जो कंपोजिशन है किसका, नमक का और पानी का, वो पूरे मिक्सचर में सेम है, तो वो हमारे लिए रहेगा होमोजेनियस मिक्सचर। यानी कि द कंपोजिशंस ऑफ सब्सटेंस इन मिक्सचर इस सेम थ्रू आउट द मिक्सचर, द होल मिक्सचर। और इसी को हम कहेंगे कॉल्ड होमोजीनियस मिक्सचर और सॉल्यूशन, और सॉल्यूशंस। हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो सॉल्यूशन पे ही डिस्कस करने जा रहे हैं, और अभी शुरुआत में हम यही कहेंगे कि हमारे पास मिक्सचर जो है वो सिर्फ दो ही सब्सटेंस का है। तो हमारे लिए जो होमोजीनियस मिक्सचर है जिसको हम सॉल्यूशन बोल रहे हैं, उसमें दो ही सब्सटेंस है, सब्सटेंस ए प्लस सब्सटेंस बी। ये लेस अमाउंट में है और ये हाई यानी मोर अमाउंट में है। और जो लेस अमाउंट में होगा उसको बोलेंगे हम सॉल्यूट, और जो ज्यादा क्वांटिटी में होगा उसको बोलेंगे सॉल्वेंट। सही है। तो हमारे साथ अब ये है कि हमें ये पता चल गया है कि मिक्सचर के अंदर एक से ज्यादा सब्सटेंस होंगे, ये बात तो हमारे को पहले से ही मालूम है, लेकिन वो किस क्वांटिटी में होंगे, रेशियो में होंगे, क्वांटिटी के रेशियो में होंगे, वो हमारे को बताना होता है। समझ में आ रहा है? फॉर एग्जाम्पल, पुरानी
समय में तो हम ऐसे बोल देते थे और आज भी कुछ यूज कर लेते हैं, भाई मेरे को एक चाय चाहिए, एक कप चाय, एक चम्मच शक्कर के साथ। तो समझ में आ गया कि आपके पास नॉर्मल जो कप होता है उसके अंदर एक चम्मच शक्कर डालनी है, तो एक चम्मच उसकी क्वांटिटी बता दी। किसी ने कह दिया मैं बहुत मीठी पीता हूँ 2 चम्मच के साथ, किसी ने कह दिया 3 चम्मच के साथ, किसी ने कहा आधी चम्मच ही डालना, तो अपने आप दिमाग में आ जाता है कि एक कप में आधी चम्मच ही डालनी है, बहुत कम पीता है। तो वो रेशियो किस में बता रहा है? चम्मच में। ठीक है, कुछ ऐसा बोलते हैं कि एक मुट्ठी ये डाल देना, 2 मुट्ठी डाल देना, तो वो क्वांटिटी क्या हो गई? एक अमाउंट मुट्ठी भर के डाल देना। एक आइडिया से रहता है कि आप ये बनाने जा रहे हो, ये रेसिपी बनाने जा रहे हो, एक मुट्ठी ये क्वांटिटी मावा मैदा या कुछ इस तरह से डाल देना। तो ये तो रहे पुरानी यूनिट्स, टाइम चेंज हो रहा है, हमें सटीक जानकारी देनी है, बिल्कुल एग्जैक्ट। हमें मेडिसिन बनानी है, उसमें काम चम्मच से नहीं चलेगा, पता चला किसी ने बड़ा वाला चमचा ले लिया तो हमें क्या चाहिए? एक सटीक जानकारी के साथ क्वांटिटी को, रेशियो को डिफाइन करना होगा, और उसके लिए हमने कंसंट्रेशन यूनिट यूज किया है। तो कंसंट्रेशन यूनिट्स क्या शो करेगी? कंसंट्रेशन यूनिट्स तो क्या है इनकी डेफिनेशंस? कंसंट्रेशंस, टर्म्स और यूनिट्स रिप्रेजेंट, कंसंट्रेशन टर्म्स और यूनिट रिप्रेजेंट द रेशियो ऑफ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इन गिवन मिक्सचर, इन गिवन मिक्सचर। यानी कोई भी कंसंट्रेशन टर्म अमाउंट के रेशियो को बताती है, ये बात तो क्लियर है। तो हम ये अमाउंट किस में ले रहे हैं? मोल में ले रहे हैं, मास में ले रहे हैं, या वॉल्यूम में ले रहे हैं, किसी में भी ले सकते हैं। इसीलिए हमारे पास एक से ज्यादा कंसंट्रेशन यूनिट है। अगर हमने शुरू में ही फिक्स कर दिया होता कि हर चीज मास में ही लेनी है, तो आज हमारे पास एक ही कंसंट्रेशन यूनिट होती, ठीक है। लेकिन मास भी ले सकते हो, मोल भी ले सकते हो, तो बहुत सारी कंसंट्रेशन यूनिट्स बनने को तैयार हो गई। तो इसीलिए हम एक एक करके बहुत सारी कंसंट्रेशन यूनिट्स को पढ़ने जाएंगे, समझ में आ रहा है? लेकिन अभी तक तो हमें यह समझ में आ गया कि क्या आया हमारे लिए, कि सॉल्यूट जो कि कम क्वांटिटी में प्लस सॉल्वेंट जो कि ज्यादा क्वांटिटी में, दोनों मिलके सॉल्यूशन बनाते हैं, और इनकी क्वांटिटी आप किस में ले सकते हो? मास में, मोल में, वॉल्यूम में, किसी में भी ले सकते हो। ये क्वांटिटी भी ले सकते हो, मास, मोल, वॉल्यूम, और ये क्वांटिटी भी आप बहुत सारों में ले सकते हो, मास, मोल, वॉल्यूम। लेकिन हमें रेशियो सिर्फ 2 का ही चाहिए, समझ में आ रहा है? तो रेशियो हमें 2 का चाहिए, यानी कि हम किसका रखना चाहेंगे? सॉल्यूट और सॉल्वेंट का रेशियो रखेंगे? नहीं, हम हमेशा 2 का रेशियो रखेंगे, या तो इन दोनों का या इन दोनों का, क्योंकि सॉल्यूट जो कम है वो हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हमारे लिए ऊपर वाला रेशियो, सॉल्यूट डिवाइडेड बाय सॉल्यूशन, ज्यादा चलन में है, ज्यादा फैशन में, ट्रेंड में है, ट्रेंड भी बोल सकते हो, और सॉल्वेंट सॉल्यूशन का रेशियो बहुत कम हमारे को देखने को मिलेगा। इज दैट क्लियर? तो ये हमारे पास एक पॉइंट रहा जो आपको बताएगा कि कंसंट्रेशन टर्म्स हमारे लिए एक तरह से रेशियो बताती है, और वो रेशियो किसी में भी हो सकता है, मास, वॉल्यूम और मोल में से कोई भी टर्म आप ले सकते हो। इज दैट क्लियर? तो कोई भी ऐसा डाउट जो आपको पूछना है, अभी क्लियर है, लिखें आप इसको। अब बात आती है कि हम जब ये बता चुके हैं कि कंसंट्रेशन टर्म्स हमें रेशियो बताती है, तो और वो रेशियो अलग अलग चीजों में हो सकता है कोई भी, तो हमारे पास कौन कौन सी कंसंट्रेशन टर्म्स हमारा इंतजार कर रही है, एक एक करके देखते हैं। तो हम एक बहुत प्यारा सा चार्ट बना रहे हैं, तो वो हमारे को सब चीजें बता देगा, और उसका नाम है कंसंट्रेशन। ठीक है,
तो आप सबसे पहले जो कंसंट्रेशन टर्म आपके पास आएगी वो आएगी मोलरिटी, मोलरिटी बहुत ज्यादा फैशन में है। फिर आपके पास आएगी मोलालिटी, ये कम है लेकिन फिर भी इंपॉर्टेंट है। एक और हमारे पास आएगा मोल फ्रैक्शंस, एक टर्म हमारे पास आएगी परसेंटेज डब्ल्यू बाय डब्ल्यू, परसेंटेज डब्ल्यू बाय वी, परसेंटेज वी बाय वी, पीपीएम पार्ट्स पर मिलियन, पीपीबी पार्ट्स पर बिलियन। तो ये एक छोटा सा चार्ट आया, यानी ये सारी कंसंट्रेशन यूनिट्स हैं जो आपको रेशियो बताएगी। ये बात तो आपके दिमाग में आ चुकी है, और किसका रेशियो बताएगी, सॉल्यूट सॉल्यूशन का या फिर सॉल्वेंट सॉल्यूशंस का। मोलरिटी, मोलरिटी, मोल फ्रैक्शंस, परसेंटेज डब्ल्यू बाय डब्ल्यू, डब्ल्यू बाय वी, वी बाय वी, पीपीएम, पीपीपी, ये सभी बहुत ज्यादा फैशन में है। तो आप एक एक करके इन सबको करेंगे। मैं इसको, ये बहुत ज्यादा चलन में है, और मैं इसको बड़ी मम्मी बोलता हूँ, कैपिटल एम। ये थोड़ा कम चलन में छोटी मम्मी स्मॉल एम, सही है। अब आगे तो आपको इतना तो समझ में आ गया कि मोलरिटी करके हमारे पास कोई टर्म है, ये दोनों का रेशियो बताएगी। अब दो में ऊपर कौन है, मोल ऑफ सॉल्यूट, मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, में यहां लेने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। मोल की तो खैर मोल ही रहेगी, लेकिन वॉल्यूम बहुत अलग अलग यूनिट में लिया जा सकता है, एमएल में, लीटर में, एक्सेट्रा। तो मैं यहां पर स्पेसिफिक करना चाहूंगा कि मैं यहां वॉल्यूम सिर्फ लीटर में ही लूंगा, अगर एमएल में है तो उसे लीटर में कन्वर्ट कर लूंगा। समझ में आ रही है बात। मोलालिटी, छोटी मम्मी, ये ऐसी टर्म है जिसमें पहली और आखिरी बार सॉल्वेंट आएगा रेशियो में। तो मोल ऑफ सॉल्वेंट, मोल ऑफ सॉल्यूट एंड वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि पहली और आखिरी बार आपके सॉल्वेंट टर्म यूज हो रही है डायरेक्टली, बाकी तो आपको समझ में आ ही रहा है। नीचे की तरफ सॉल्यूशन की जगह, बाकी नीचे हर जगह आपको क्या दिखाई देगा, सॉल्यूशंस। मोल फ्रैक्शन की अगर हम बात करें तो हमारे पास दो तरह के मोल फ्रैक्शंस यहां पर क्रिएट होंगे, नाम से ही पता चल रहा है मोल का फ्रैक्शंस। एक होगा सॉल्यूट के लिए, एक होगा सॉल्वेंट के लिए। सॉल्यूट के लिए मोल फ्रैक्शन को मैं एक्स सॉल्यूट लिखूंगा, ये होगा मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय टोटल मोल ऑफ सॉल्यूशन। और मोल सॉल्यूशन के क्या होंगे, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट ही तो सॉल्यूशन है आपके पास। तो मोल ऑफ सॉल्यूशन की जगह मैंने वापिस मोल ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल ऑफ सॉल्वेंट लिख दिया, ये है मेरे लिए मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। और मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, मोल ऑफ सॉल्वेंट डिवाइडेड बाय मोल ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल ऑफ सॉल्वेंट आएगा। समझ में आ रहा है। इसमें एक टर्म और आ सकती है कि अगर सॉल्यूट के मोल फ्रैक्शन को सॉल्वेंट के साथ ऐड कर दिया जाए तो ये वैल्यू क्या आएगी, वन। अब इन दोनों को ऐड करके देखें, वन दिख रहा है आपको। नेक्स्ट कंसंट्रेशन टर्म आ रही है आपकी परसेंटेज डब्ल्यू बाय डब्ल्यू।
पता ही चल रहा है, W का मतलब वेट, दो वेट आएंगे, दोनों वेट लेने, और मैंने आपको बता ही दिया है कि जनरली हम किसको लेते हैं, ऊपर सॉल्यूट और नीचे किसको लेते हैं, सॉल्यूशन को। आप देखना बस एक ही जगह सॉल्वेंट है, बाकी नीचे हर जगह आपको सॉल्यूशन दिखाई दे रहा है, यहाँ सॉल्यूशन है, ये भी सॉल्यूशन है, ये भी सॉल्यूशन है, और यहाँ पर भी सॉल्यूशन आएगा। तो इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी, वेट ऑफ सॉल्यूट, वेट ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 100, क्योंकि परसेंटेज में बताना है तो 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको। परसेंटेज W बाय V, वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन, V का मतलब वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 100। काम की बात यह है कि जब वॉल्यूम आ रहा है तो आपको लिखना पड़ेगा कि वो लीटर में या ml में, इस जगह ml में होगा और वेट जो होगा वो ग्राम में होगा। देखिए यहां दोनों जगह ग्राम ले लो या दोनों जगह किलोग्राम ले लो कोई फर्क नहीं है, क्रॉस हो जाएगा, लेकिन यहां पर क्योंकि एक ही जगह वेट लिखा हुआ है तो आपको ऊपर ग्राम में लेना पड़ेगा और नीचे ml में लेना है। यहां हम ग्राम ग्राम ले लेंगे, ज्यादा सही रहेगा। V बाय V क्या डेफिनेशन बनेगी, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशंस मल्टीप्लाई बाय 100। समझ में आ रहा है, PPM जैसे वो परसेंटेज में बता रहा था, ये मिलियन में बताएगा, पार्ट्स पर मिलियन। क्या इसकी फुल फॉर्म है, पार्ट्स पर मिलियन, और ये वैल्यू होगी मास ऑफ सॉल्यूट बोन मास ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 6। मिलियन 10 पावर 6 होता है। तो अंतर क्या है, पीपीएम और डब्ल्यू बाय डब्ल्यू, डब्ल्यू बाय डब्ल्यू 100 आएगा, 100 पे बताना है, ये पीपीएम में बताना है। इज दैट क्लियर, यानी अगर सॉल्यूशन हमारा बहुत ज्यादा डाइल्यूट है तो हम पीपीएम में बताएंगे, कम डाइल्यूट है हम परसेंट में बताने की कोशिश करेंगे, जिससे हमारा जो आंसर आए वो एक सिग्निफिकेंट वैल्यू में आए। समझते हैं, बस ये है। अगर और भी ज्यादा डाइल्यूट है तो हम पार्ट्स पर बिलियन में बताएंगे, और वो हो जाएगा हमारे लिए मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 9, बिलियन 10 पावर 9 होता है। तो हमने कुछ कंसंट्रेशन टर्म का चार्ट बनाया, क्लियर है, इसको आप लिखें जल्दी से। मैं वापिस आ रहा हूं इनकी यूनिट्स को लेते हुए, आप ही बताइए, सबसे पहले अपन ने ये टर्म पढ़ी थी मोलरिटी, यूनिट क्या बनेगी, मोल की मोल, मोल पर लीटर, यही बनेगी हमारे लिए यूनिट। तो इसकी यूनिट होगी मोल पर लीटर, या फिर हम इसको मोलर बोल देंगे, और ज्यादा प्यार आ रहा हो तो इस कैपिटल एम ही लिख के छोड़ देंगे। तो कैपिटल एम अपने आप में ही मोल पर लीटर है, या मोलर बोल दो, समझ में आ रही है बात। यहां क्या बनेगी यूनिट, मोल पर केजी, या फिर मोलल, मोलल वहां मोलर था यहां मोलल है, या फिर स्मॉल एम, स्मॉल एम अपने आप में मोल पर केजी को रिप्रेजेंट करेगा। यहां देखिए मोल फ्रैक्शन, मोल डिवाइडेड बाय मोल, यानी ये क्या है, एक तरह से यूनिट लेस क्वांटिटी, यूनिट लेस क्वांटिटी, समझ में आ रहा है। तो ये तीनों ये यूनिट लेस क्वांटिटी है, ये यूनिट यूनिट लेस क्वांटिटी रहेगी क्योंकि W बाय W है, यूनिट लेस ये यूनिट के साथ आएगा,
और इसकी यूनिट क्या बनेगी? ग्राम पर एमएल। ये वॉल्यूम बाय वॉल्यूम यूनिट लेस, पीपीए मास बाय मास यूनिट लेस, मास बाय मास यूनिट लेस, इज दैट क्लियर? तो ये आपको जितनी भी इंफॉर्मेशन इस चार्ट से मिल रही है वो ध्यान में रखें। अब बात आती है कि क्या ये कंसंट्रेशन टर्म्स किसी और फैक्टर पे डिपेंड करेगी, फॉर एग्जांपल टेम्परेचर। देखते हैं, टेम्परेचर इंक्रीज करने पर मास और या मोल चेंज होते हैं? नहीं, मास चेंज हो जाएगा क्या? किसी को सपोज किसी का वेट 1 किलोग्राम है, थोड़ा सा गर्म करा तो 2 किलोग्राम तो नहीं होगा, समझ में आ रहा है? वॉल्यूम बढ़ सकता है, हाँ स्लाइटली बढ़ेगा। तो इसके साथ हम ये बोल सकते हैं कि अगर मैं यहां पर इस टर्म में टेम्परेचर बढ़ाता हूं तो वॉल्यूम बढ़ेगा, और वॉल्यूम बढ़ेगा तो कैपिटल एम कम होगा। क्या मैं सही हूं? टेम्परेचर पर डिपेंड करेगी, यस और नो? यहां मैं टेम्परेचर बढ़ाता हूं तो आप समझ लीजिए वॉल्यूम वाली टर्म है ही नहीं, कोई भी टर्म नहीं आती, तो ये क्या रहेगा? कांस्टेंट। छोटी मम्मी पे टेम्परेचर का कोई इफेक्ट नहीं है, बड़ी मम्मी पे है। टेम्परेचर बढ़ाओगे एम कम होगा। मोल फ्रैक्शन, सब मोल वाली टर्म है, वॉल्यूम वाली टर्म आ ही नहीं रही, तो इनडिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर। ऑन टेम्परेचर, टेम्परेचर पर कोई डिपेंडेंस इसकी है ही नहीं। इस तरफ से देखिए परसेंटेज डब्ल्यू बाय डब्ल्यू में भी वही है, इनडिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर, ऑन टेम्परेचर। यहां क्या रहेगा? टेम्परेचर बढ़ाएंगे, वॉल्यूम बढ़ेगा, परसेंटेज डब्ल्यू बाय वी कम होगा। यहां टेम्परेचर बढ़ाएंगे, वॉल्यूम बढ़ेगा, ऊपर भी बढ़ेगा नीचे भी बढ़ेगा, लेकिन नीचे वाला ज्यादा बड़ा वॉल्यूम है, तो वॉल्यूम ज्यादा बढ़ेगा नीचे वाला, और परसेंटेज डब्ल्यू बाय वी सॉरी वी बाय वी कम होगा। समझ में आ रहा है? ऐसा क्यों? क्योंकि ये डोमिनेटिंग है, इंडिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर, क्योंकि दोनों मास है। और यहां पर भी हमारे लिए क्या रहेगा? इनडिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर। क्या आपको ये क्लियर है कॉन्सेप्ट? पूरा चार्ट लिखें इसको।